80 और 90 के दशक में हॉरर फिल्मों के सरताज माने जाने वाले रामसे ब्रदर्स में एक कुमार रामसे का निधन हो गया। जी हाँ, कुमार रामसे का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। सोशल मीडिया पर कुमार रामसे को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। फैंस उनके द्वारा बनाई गई फिल्मों को याद कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इससे पहले 2019 में रामसे ब्रदर्स में से एक श्याम रामसे का निधन हो गया था। श्याम रामसे के साथ भाई थे, इन सभी में रामसे ब्रदर्स के नाम से पहचाना जाता था। जी हाँ, कुमार रामसे, केसू रामसे, तुलसी रामसे, करण रामसे, श्याम रामसे, गंगू रामसे और अर्जुन रामसे। जी हाँ, रामसे ब्रदर्स की बायोग्राफी डोंट डिस्टर्ब द डेड द स्टोरी ऑफ रामसे ब्रदर्स के अनुसार उनका परिवार पार्टीशन के बाद मुंबई आ गया था। जी हाँ, 1947 में पार्टीशन के बाद मुंबई आया। जी हाँ, यहाँ का रामसे बंधुओं के पिता ने मुंबई में पहले इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली, लेकिन हिंदी सिनेमा के ग्लैमर ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद सातों भाइयों ने अपने पिता के कदम से कदम मिलाते हुए फिल्में बनानी शुरू कर दी। रामसे बंधुओं में तुलसी और रामसे ने हॉरर फिल्मों में दिलचस्पी दिखाई और हॉलीवुड की कॉपी करते हुए इंडियन मसाला शामिल करते हुए भूतिया फिल्में बनानी शुरू की। जी हाँ, इन दोनों ने मिलकर हॉरर फिल्मों का एक जबरदस्त ट्रेंड शुरू किया। रामसे ब्रदर्स ने पर्दे पर ऐसा खौफ बिखेरा कि वो जॉनर के मास्टर बन गए। रामसे ब्रदर्स ने अंधेरे से भरे थिएटर में डरा कर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरणा ली और उस वक्त खुद को साबित किया जब दुनिया एंग्री यंग मैन के नाम से वाकिफ हो चुकी थी। लेकिन आज हमने कुमार रामसे को खो दिया है। जी हाँ, हम उनकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। आप भी दुआ कीजिए। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ ससुर की रिपोर्ट।